गाइस हम पहुंच चुके हैं स्कूबा डाइविंग करने, तो अभी हम शिप पे बैठे हैं, स्टार्ट होने वाला है, बस एंट्री हो रही है। आप उधर देख सकते हैं, उधर एंट्री हो रही है, दिखाओ, तो देख सकते हैं एंट्री हो रही है। हम बैठ चुके हैं, सीट बेल्ट हमने अपनी लाइफ गार्ड कसने हैं, चश्मे डालने हैं, सेल्फी ले ली है, ऑल सेट। तो गाइस अब हम आए हैं डॉल्फिन्स देखने, और वो रही डॉल्फिन्स। आपको एक हंसी हंस के दिखाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो आपको ये हंसी मिली कहाँ से? ये हंसी मेरे दादाजी हंसते थे, और दादाजी के बाद सिलम है, क्योंकि इनके पापा जी ऐसी हंसी नहीं हंसते। पापा जी के बारे में बोला तो पापा जी ने भी चैनल सब्सक्राइब करा, बता पापा जी के बारे में बोला तो ये ऐसे हंस नहीं पाएंगे कभी। शांति है, हमने फाइनली गोवा में शांति ढूंढ ली है। अगर आपको भी पीस पसंद है तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। ये गोवा से थोड़ा सा दूर पड़ता है, 10-12 किलोमीटर, यहाँ तो गोवा में ही, लेकिन जो कैंडोलिम है या जो मेन पॉइंट्स है उससे थोड़ा दूर पड़ता है, 10-15 किलोमीटर। गाइस हम कर रहे हैं चेकआउट, और जहाँ हमने कल रात स्टे किया हमारा रूम तो मैंने आपको दिखाई दिया। अब हम जाएंगे चर्चिस वगैरह घूमने, चर्चिस घूम के शाम को जाएंगे कसिनो, नहीं शाम को देखेंगे हम इंडिया पाकिस्तान का मैच, उसके बाद हम जाएंगे कसिनो, या हम कसिनो में जाएंगे, तो वो देखते हैं अभी। बाकी अभी हम जा रहे हैं पंजीम की साइड और चर्चिस देखेंगे, फिर आप बताएंगे अभी। दोस्तों ये है व्यू हमारे रूम के बैक साइड, नदी जा रही है, गोवा में समुंदर से है वैसे, पर यहाँ पर हम नदी की तलाश में आए हैं। होटल का नाम है रिवर व्यू फ्रंट, ये होटल है, बड़ा ही शांत सा माहौल है यहाँ पर, और मस्त हम रात को उठे होकर लेट गए, क्योंकि हम थक गए थे सारा कल, सारा दिन बहुत एक्टिव रहा, हम थक गए, फिर हम आगे सो गए, अब हम उठ के चलने को तैयार हैं, और हमने यहाँ खिंचाई थोड़ी बहुत फोटोज, और अब हम जाते हैं और मिलते हैं आपको चर्चिस के सामने। आओ लेकिन ये है लकड़ी का पुल, धमाल फिल्म वाला। हमारे पास नदी भी है, हमारे पास पुल भी है,
हमारे पास रूम भी है और कल हमारे पास समंदर भी था। अब हमने कुछ नहीं छोड़ा, बस हम कुछ बोल ना जाएं, नहीं तो हमें दोबारा आना पड़ेगा। सो गाइस हम हो गए हैं तैयार श्यार, हम जा रहे हैं पंजीम की तरफ और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मौसम जो है ठंडा सा हो रहा है, आज थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, कब जाने क्यों कि हम थोड़े ठंडे लग रहे हैं। ये हमारे दोस्त ड्राइवर हमारे से अंजुना से भी थोड़ा सा अंदर को, अंजुना से अंदर को जाके ये होटल था जहाँ हम गए थे। अब हम जा रहे हैं जहाँ से हमने एक्टिवा ली थी, एक्टिवा को हम करेंगे वापस, वहाँ से लेंगे टैक्सी, टैक्सी लेके हम जाएंगे पंजी। एक और एक्टिवा का तेल खत्म होता हुआ और उसके लिए अब हम वापस जा रहे हैं फिर तेल डालने। इसका खत्म हुआ, इसका सारी होंडा ही हर चीज़ बेकार है। तो ये अब हमने इसमें तेल डाल दिया है, यहाँ पर तेल की बोतलें लेकर घूमना पड़ता है। खत्म हो चुका था यार तो हमने डाल लिया। तो गो अगेन, जो ये आदमी जहाँ पर है वहाँ पर थस्से होना 110% है। ये द गिन्नी द गेस, ये हमारी जननी हमारी नारी, ये ना होती तो आज हमारा काफी सामान छूट गया होता। पुलिस वाले आके खड़े हुए, अंकल नहीं खड़ा हुआ, पुलिस ही पुलिस, पुलिस ही पुलिस, पुलिस गया तेल मुक गया और पुलिस वालों के सामने हमारा तेल मुक गया। वाओ क्या गुंडा बनेगा रे तू। तेल डालने के बाद तो पेट्रोल खत्म हो गया था। आओ तो उधर नहीं डाल दिया, बोतल था हमारे पास, साथ ही घूम ले उधर ही बोतल में। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। वो क्या करता है, वीडियो निकाल के जाता है यूट्यूब। हां ये पुलिस वाले अंकल, अच्छे अंकल, अच्छे अंकल, उन्होंने विदाउट हेलमेट वालों को लगवा लिया साइड में। हमारे पास हेलमेट था, हमारे पास मास्क भी थे, तो हमने तेल डाला तेल पीती है। ये देख रहे हो, ये बहुत तेल पीती है, ये तेल पीती है, ये तेल पीती है बहुत ज्यादा, तेल लहू पीती है। रब सुखर किसी खरा ते मिलेंगे बाबा, आप ही कराऊ सक्सेसफुल नी। तो भाई देखो अब हमने, ओए हटो, दिखता दिखता नहीं है क्या तेरे को, नीचे रख दिया है ना मैं। अब हमने यहां से खड़ी कर दिया एक्टिवा और अब हम यहां से जा रहे हैं जिम की ओर। क्या लेके, टैक्सी, टैक्सी को ये मना कर रहे हैं, देख रहे हो, कह रहे क्लब जाएंगे हम 3500 रुपये देंगे, टैक्सी मिलेंगे तो जा रही हूँ। समझ रहे हो, समझ रहे हो, मैं तो डर की। ये है लव यू जिंदगी वाली रोड, वो देखो वहां से कार आ रही है ना ऐसी, उसमें सारे नारी की पेड़ चारों तरफ और आगे पास जा। तो अब हमने लिया एक रूम जहाँ पर गिरेंगे बैग और जाएंगे चर्ची। भाई सब हम आए हैं खाना खाने, ब्रेकफास्ट करने, बेशक 12 बज चुके हैं लेकिन हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट यहाँ पर वाटर मार्क में, वो पुल सामने गोवा वाला पुल, और ये अपना नदी में वो है, ये सारे कैसीनोज हैं। रात को जाएंगे आपको दिखाएंगे, ये डांसिंग जो उधर बिग डैडी भी उधर है, इसको उधर किंग्स कैसीनो है, तीन चार कैसीनो इकट्ठे हैं। हमने रात को जाना है मैजेस्टिक फ्लाइट, फ्लाइट इसके साथ है, रात को जाएंगे बस। बाकी अभी खाते हैं खाना, आओ। ये है चॉकलेट का हलवा, ये यहाँ की नई चीज़ थी इसलिए हमने मंगाई है। ओ हम आए हैं चर्च पे, ये चर्च कौन सी है, चर्च का नाम है
तो मिलते हैं पिक्स के बाद। ये है मंदिर, बहुत ही ब्यूटीफुल आपको मंदिर भी लग रहा है। And guys, this is the view from the mandir. तो अब हम पहुंचे हैं फाउंटेनर, जहाँ पर सारे कलरफुल घर हैं गोवा में। आपको कब जाना हो तो आप फाउंटेनर सर्च करके आ सकते हो। पंजिम के बिल्कुल पंजिम में ही है, और पंजिम के जो बस स्टैंड है वहाँ से अराउंड 4-3 किलोमीटर में जाता है। तो आप खुद जाते हैं कल सुबह। तो अब हमने खिंचवा लिया फोटोज फाउंटेन हाउस से। अब हम जाते हैं, और अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट जगह, वो है एक चर्च। तो आपको चर्च में पहुँच के दिखाते हैं कैसी है। तो अभी के लिए साइनिंग ऑफ। तो अब हम आ गए हैं मीरामार बीच पे। हम फाउंटेन हाउस से सीधा इधर आए पंजिम में ही, और वहाँ से सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर था। और यहाँ पर हम देखेंगे सनसेट, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये बीच पे बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, जैसे कि बागा या फिर जो कैंडोलिम वगैरह में क्राउड था। इधर तकरीबन मतलब इधर ऐसे लग रहा है कि लोकल क्राउड ही है, थोड़े मोटे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। और मीरामार बीच के बाद हम गए अपने होटल, अपने पहले तैयार हुए, और अब हम जा रहे हैं मैजेस्टिक ड्राइव। ये है कैसीनो, और इसमें हम एक तो इंडिया पाकिस्तान का मैच भी देखेंगे, थोड़ी बहुत गेम भी खेलेंगे, बहुत लक्का जमाएंगे। तो चलिए आप फिर जाते हैं। तो हम यहाँ से जाएंगे उस बोट में अपने मैजेस्टिक राइड की क्रूज में। ये आ गया है हमारा कैसीनो, तो हमें जाने हैं दिखावे मैजेस्टिक राइड। अब हम हैं कैसीनो के अंदर, यहाँ पर ये हो रहा है डांस। इधर और निचले फ्लोर पर है कैसीनो, और इसके ऊपर है टेरेस। तो अगर आपने सट्टा लगाना है तो आप नीचे जा सकते हो, खाना खाना है तो यहाँ ऊपर जा सकते हो। खाना खाने के लिए आप फ़ोन यूज़ कर सकते हो, नीचे कैसीनो में आप फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते। तो कैसा लग रहा है 15,000 कैसे नौना उड़ा के? पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट। यहाँ अब हमारा ट्रिप ख़त्म होता है। अभी बज चुके हैं 2 दोपहर के, सुबह चले थे हम 8 बजे। और पहले हमारा स्टे था बेंगलोर में, जो फ्लाइट का ले ओवर था, फिर वहाँ से हमारी फ़्लाइट चेंज हुई और सीधा यहाँ पर एयरपोर्ट पे। हम ज़्यादा शूट नहीं कर सकते ड्यू टू देयर रीजन्स, एंड इसीलिए अब हमने कम शूट किया है। और हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, और हम यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करते हैं। होपफुली आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर व्लॉग्स। थैंक यू सो मच।